ओके क्वेश्चन नंबर 11 बुकलेट 5। क्या एम मतलब? अच्छा मेल का लाइफ 70 है। अभी देखो हम लोग इंटीग्रल एक्सप्रेशन से पूरा बना रहे, ठीक है? अच्छा एक सेकंड, मेरे को एक नोटबुक देना, ये वाला। क्या बोला है इसमें? एनविटी पेमेंट्स आर ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड मंथली मिलेगा फीमेल लाइफ को। एक बात बोल रहा है, जैसे हम लोग रिवर्सनरी एनविटी में ये पढ़े थे ना कि मतलब अगर मान लो चाहे मंथली इन एडवांस हो, ईयरली इन एडवांस हो, ईयरली इन अरियर हो, या फिर कंटिन्यूअस हो, सबका रिवर्सनरी एनविटी का आंसर सेम होगा। ये सब रिवर्सनरी एनविटी का पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किसी के मरने के बाद कुछ हो रहा है, फिर जाके सेकंड लाइफ को पैसा मिल रहा है। तो हम लोग पहले इंटीग्रल एक्सप्रेशन दिखा दे रहे हैं, इंटीग्रल एक्सप्रेशन दिखाने के बाद में अगर हम लोग का इंटीग्रल एक्सप्रेशन में समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग उसको मंथली एडवांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज सबका आंसर तो सेम ही होता है। नहीं समझा? अगर कोई चीज मंथली एडवांस है तो अगर उसको कंटिन्यूअस मान ले तो क्या दिक्कत है? ओनली इन विच टाइप ऑफ केसेस रिवर्सनरी एनविटी, बिकॉज सबका आंसर सेम होता है, ठीक है? तो इंटीग्रल एक्सप्रेशन देखो, 50,000 का अमाउंट है, अलग अलग लिखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, अलग अलग लिखो। सबसे पहले टी तक का करो, एक बार उसको कंटिन्यूअस मान लो, एडवांस छोड़ दे एक बार। क्या चीज? नहीं 12 मत लिखो, कंटिन्यूअस। अरे सुनो, कंटिन्यूअस पेमेंट्स हो रहे हैं तो सबसे पहले वी टू दी पार 5 को छोड़ दो। वी टू दी पार टी टीपी 70-60 का मतलब क्या है? टाइम टी तक दोनों जिंदा है। अच्छा किसके मरना पड़ेगा, किसको मराए बदले बताओ? मेल को मरा दे तो देखो म्यू 70 प्लस टी, उस समय मेल का एज कितना है? 70 प्लस टी, तो मेल मर गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ना, मेल के मरने के 5 साल बाद। तो 5 साल बाद का मतलब क्या है? जब वाई का एज कितना है, प्लीज राइट डाउन मेल फीमेल, वाई का एज कितना है देखो तो 60 प्लस टी, तो 60 प्लस टी से वो 5 साल और जिएगा, इसलिए 5P60 प्लस टी, सबको दिख रहा है? एंड 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो वी टू दी पावर 5 दिखा सबको। तो टोटल जब एनविटी मिलना स्टार्ट होगा उस समय वाई का एज कितना हो जाएगा? जब एनविटी मिलना स्टार्ट होगा उस समय वाई का एज कितना हो जाएगा? 60 प्लस टी प्लस 5, ठीक है? तब से उसको एनविटी मिल रहा है, उसका ईपीवी, ठीक है? तो अच्छा ईपीवी जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? टी पे आ रहा है ना टी प्लस फाइव पे आ रहा है, टी प्लस फाइव पे। तो टोटल टानने वाला फैक्टर कितना होना चाहिए? टी प्लस फाइव, देखो आ रहा है वी टू दी पावर टी एंड वी टू दी पावर फाइव। अब एक बार रिवर्सनरी एनविटी स्पेशल केस खोलो। स्पेशल केस में हम लोग एक इंटीग्रल बनाए थे, नेक्स्ट स्टेप में उसको दो पार्ट में तोड़े थे। तो सेकेंड वाला इंटीग्रल देखो। तो सेकेंड वाला जो इंटीग्रल है, सेकेंड वाला इंटीग्रल देखो, इससे मैच हो रहा है पूरा। सेकेंड वाला जो इंटीग्रल है इससे पूरा मैच हो रहा है। केस 4 का सेकेंड इंटीग्रल ये याद करके जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक लाइफ के मरने के कुछ साल के बाद से दूसरा लाइफ को पैसा मिल रहा है। दिस इज केस 7, यू कैन अज्यूम कि किसी एक लाइफ के मरने से एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा कि ये सब बना के देखे, सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे बताए? कैन यू राइट द फाइनल आंसर? ये समझने के लिए लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग जब सोल्यूशन लिखे ना डायरेक्टली लिखे हैं, ठीक है? अच्छा केस 4 का जो सेकंड वाला इंटीग्रल है उसका फाइनल आंसर देखो तो वी टू दी पावर एन एन पी वाई, समझ में आया? ए 12 यहां पर क्या मंथली एडवांस, देखो ए ड्यू लिख दीजिए, समझ आ रहा है ना? ए ड्यू 12 70 65। कोई रटेगा तो क्या रटेगा? कितना जितना वी टू दी पावर एन एन पी वाई तो ठीक है, ठीक है? और वाई का एज को 5 साल से बढ़ाना है, वाई का एज को 5 साल से बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है?
बिकॉज एक्स के मरने के 5 साल के बाद से वाई को पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो उस वाले को बहुत अच्छा से याद करके जाना एग्जाम में, एक कॉपी आज घर में जाओगे तो K7 एक तो बना ही लेना। ये किसको, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? पहले वाले में इंटीग्रल से बनाया था कि समझने में आसानी हो, दिख रहा है, इंटीग्रल से बनाया था कि समझने में आसानी हो, उसके बाद में हम लोग फाइनल आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब ADU है तो हम तो मन मर्जी है, तो ADU 70, 65, 12 को क्या लिख सकते हैं? ADU 70, 65, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, 21 पढ़ना नहीं, पढ़ो, करना है। कौन सा पार्ट देख तुम बता, कौन सा तेको दिक्कत हुआ? अरे ये तो सॉल्व किए पूरा, तो तेको सॉल्व करना पड़ता, क्लास में कराए थे जॉइंट लाइफ में, पूरा सॉल्यूशन कराया उसका। तो आज मरा, मरने के 5 साल बाद, तो 5 साल भाई को जीना पड़ेगा ना, तो CT5 में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? V to the power 5, 5 PY, तो भी तो क्या, जोर से बोलो, 70 है। रिवर्स जनरेटर कैसे सॉल्व करते हैं? ADU x/y। अरे नहीं, लुक नहीं दे रहे ना, बोल रहे, तुमसे पूछ रहे हैं। ADU 70, 65 को कैसे सॉल्व करते हैं? ADU 65 minus ADU 70, 65, ठीक है, मेल हमेशा पहले होता है। ADU y minus ADU x y। अब और कोई डाउट पूछो, प्रैक्टिस चाहिए, सिलेबस बड़ा है मेरे को पता है, लेकिन सिलेबस इजी भी तो है। थोड़ा जोर से बोलो, हाँ हाँ हाँ, फिर से एक्सप्रेशन दे मेरे को। तो लास्ट एश्योरेंस को तुम सॉल्व नहीं कर सकता है, अभी तो कितना सारा किया, हाँ दोनों सेम होगा मतलब? नहीं नहीं, वो तो कंटिंजेंट है कि वाई सेकेंड मरा, उसका उसका अलग से कराए हैं। देखो हम कराए हो कंटिंजेंट एश्योरेंस में, तुम देखो हम कराएंगे। यही आंसर है, एक बार रिविजन देना। एक मिनट रुको, तुम कौन सा वाला बोल रहे हैं? करो वंदिता 21, ए रियल लॉक मिटा दें, कोई 11 का डाउट क्लियर हो गया तेरा, ठीक है 21 अभी करा रहे।
हम करा दे पूरा पूरा करेंगे, रुको सारा रुक। अगर वो म्यू व्यू देगा तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। हाँ हाँ और अगर तुम्हारा लाइक अगर ऐसे बोलते हैं ना मेल मर गया फीमेल या फिर फीमेल मर गया मेल, तब तुम उसको लास्ट सर्वाइवर बना सकते हैं दोनों का, तभी सॉल्व होने से सॉल्व नहीं होगा। या फिर तेरे को म्यू ऐसा पता रहेगा तब तब कर, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हाँ तब नहीं 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 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ बता रहे मेरे को 21 पढ़ना पहले पर सब लोग। अ स्पेशल जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एनविटी ऑफ 10,000 पर एनम is payable continuously in respect of a male and female life each age 60 exact. Payments commence on the first death and continue for 5 years after the second death. एक मिनट बोला नहीं है इसमें, धीरे धीरे एक मिनट रुको, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 10,000 per annum is payable continuously in respect of a male and female life. Joint life, last survivor annuity, payments commence on the first death and continue for 5 years after the second death. ठीक है, तो second death वाले part को तो छोड़ दो, अभी पहले इधर आओ। अगर male पहले मर जाता है, अगर male पहले मरेगा तो क्या होगा, female को मिलेगा, तो reversionary annuity बनाएंगे। अच्छा कैसे बोला है, continuous बोला है क्या? हाँ continuously। फिर क्या होगा, female मर गया male जिंदा है, female मर गई male जिंदा है, 10,000 ए बार 60 60, ये भी ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा। उसके बाद क्या बोला है, अच्छा सेकेंड वाला जो पार्ट है हम बोल रहे हैं हिंदी में, फिर तुम लोग उसका एक्सप्रेशन बनाना, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं जो सेकेंड लाइफ मरेगा उसके बाद में 5 साल और मरेगा, 5 साल और मिलेगा, तो सेकेंड लाइफ मरने का क्या होता है, लास्ट सर्वाइवर, तो कितना मिलते कितना का बेनिफिट है, 10,000। तो 10,000 ये मत लिखो, v टू द पावर ये मत लिखो, उसको हटा दो, ये एक्सपेक्टेड है सारा, वो रैंडम वेरिएबल वाला फॉर्म मत करो। हाँ 10,000 ए बार 60 60 बार ए बार 5, किसको नहीं समझ आया। अब बोल रहे कि जब सेकेंड लाइफ, अभी यहां पर कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जो उसमें किए थे ना, उसमें देखो तो कैसे किए थे, कुछ 2 वगैरह लिखे थे, उसको इंटीग्रेशन के बिना सॉल्व नहीं कर पाएगा। या फिर अनलेस जनरल ऐसा बोल दे कि जो दोनों लाइफ है उसका मोर्टेलिटी फीचर्स आर सेम, अगर दोनों लाइफ का मोर्टेलिटी फीचर सेम होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, हाफ, नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज यहां पर बोला नहीं कि कौन क्या, कौन फर्स्ट कौन सेकेंड, तो लास्ट सर्वाइवर जो भी हो, सेकेंड लाइफ मरेगा तो सेकेंड लाइफ मरेगा, वॉट इज ए बार 60 60 बार, वट इज ए बार 60 60 बार, मेरे को इसका मतलब बताओ इन वर्ड्स, ए बार 60 60 बार का मतलब क्या है, सोनथलिया बोलो, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, क्या है ये, ये क्या है, ये क्या है, ए बार 60 60 बार क्या है, उसका ईपीवी है, ईपीवी ऑफ वन पेड व्हेन द सेकेंड लाइफ डाइज, नाउ द सेकेंड लाइफ कैन बी मेल आल्सो, द सेकेंड लाइफ कैन बी फीमेल आल्सो, तो इसीलिए ए बार 60 60 बार है। और तुम जो पूछ रहा था कि भैया अगर कोई एक का बोल दे तो नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। अब यहां पर ए बार 5 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ठीक है, जाओ गुड। हाँ सॉल्व नहीं होगा, अगर टेबल बुक दे देगा तो सॉल्व नहीं होगा, आपको वो म्यू देना पड़ेगा तभी सॉल्व नहीं होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही वो पूछ रहा था, कोई एक स्पेसिफिक केस देगा तो सॉल्व नहीं होगा, अनलेस एंड अंटिल बोल दे कि मोर्टेलिटी फीचर्स आर सेम, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा। दिस इज द बेसिक, मैं सम जैसे करा रहा हूं, तुम लोग को उसी पैटर्न में करना चाहिए तभी समझ में आएगा। 11 और विकास को साइड कर दो, 11 और
21 के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया. ओके व्हाट इज द टाइम विकास, पीछे जाऊं आगे जाने के बाद ही तुमको पीछे क्यों जाना होता है, ठीक है. व्हाट 12:40 फॉर टुडेज क्लास इन यूट्यूब बिकॉज D2S स्टूडेंट्स को एकदम तुरंत से तुरंत वीडियो मिलने चाहिए. सम्स क्लास ट्वेंटी सिक्स का थर्ड पार्ट, 26 का थर्ड पार्ट. ट्वेंटी सिक्स का थर्ड पार्ट कौन सा टाइप का है, लास्ट सर्वाइवर है ना क्या ये, और लास्ट सर्वाइवर होल लाइफ है ना क्या ये, एक बार रिमिक्स ऑन करना क्या ये. तो इसका कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा क्या, पहला बात तो ए बार एज कितना दे दिया है 45 45, और टर्म इंश्योरेंस है, एक मिनट रुकना, कौन कौन बोल रहा है मंदिर, ठीक है 20, या फिर आप लोग अगर ऐसा नहीं मेरी तरह अगर आप लोग कलाकारी नहीं है तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जिसका ड्राइंग वगैरह एकदम ठीक नहीं हो, वॉज वेरी पुअर इन ड्राइंग इन द चाइल्डहुड, सो दे कैन मेक लाइक दिस. अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताइए. एक्सप्रेशन बनाएंगे 0 से 20 वी टू द पावर टी. ए रुको एक मिनट भैया, लास्ट सर्वाइवर जो था ना, तो लास्ट सर्वाइवर में एक्स सेकेंड मरे या वाई सेकेंड मरे, बोलना एक बार. अच्छा दोनों लाइफ के लिए देखो मोर्टेलिटी सेम दे दिया है, माने मेल फीमेल में कोई भेदभाव किया है क्या, क्या पता दोनों मेल ही हो ये बोल. अरे हाँ बोला तुम, पिच क्यों किया, हाँ सच्ची बोल रहा है, दोनों लाइफ मेल है तो क्या पता तुम लोगों को, बिकॉज तुम तो मत ही कर देना. अच्छा सुनो, दोनों लाइफ अगर मेल है तो क्या पता तुम लोग को, दोनों लाइफ फीमेल है तो क्या पता तुम लोग को, ठीक है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है. तो पहले कोई एक का करते हैं, वी टू दी पावर टी टी पी 45 म्यू 45 प्लस टी टी क्यू 45, बोलो हाँ बोलो ना हाँ, कितना का बेनिफिट था 1 लाख. अच्छा सर ये तो कोई एक की है, पहला लाइफ सेकंड मर रहा है, मान लो दो लाइफ है एक्स एंड वाई, तो मान लो ये वो केस है जिसमें एक्स सेकंड मर रहा है वाई फर्स्ट मर रहा है. अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स फर्स्ट मर रहा है वाई सेकंड मर रहा है, तो इनटू टू सॉल्व करो इसको. भाई ये कोई एक केस हुआ, या तो एक्स सेकंड मरेगा फिर एक्स फर्स्ट मरेगा, हाँ हाँ सॉल्व करिए इसको, तो अलग अलग करता, इट्स वेरी सिंपल मैन, व्हाट आई विल टेल यू.
चच्चा बड़ी हंसी आ रही है आजकल देख रहे हैं। देखा शो मी द रिमिक्स। पानी का बॉटल देना, नहीं मिला ना। सॉल्व करो इसको पूरा को। भूमि का कॉपी दे दो ना। अच्छा टीपी 45 है ना, तो टीपी 45 का मतलब क्या होता है? ई टू दी पावर माइनस म्यू टी। एंड व्हाट इज म्यू 45 प्लस टी? स्टॉप कर देना।